हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, काफी डिफरेंट है वो। मैं सिखाने जा रही हूँ आपको मटर के परांठे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मटर को ग्राइंड करके रख लेना है मिक्सी में और उसके बाद उसे जीरे का तड़का लगा के भूंज लेना है अच्छे से। मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मैंने सिर्फ जीरे में भूंजा है। अगर आप चाहो तो इसे प्याज में, लहसुन, अदरक में भी भूंज सकते हो। और इसमें मैंने ऑलरेडी नमक और मिर्ची मिक्स कर दी है और आप कुछ योगा गूंदा हुआ आटा, रिफाइंड ऑयल, नमक और मिर्ची। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसमें हल्की सी नमक स्वाद अनुसार डालनी है और मिर्च डालनी है और इसे मिक्स कर ले। आप लोग चाहें तो इसमें प्याज, लहसुन, अदरक भी यूज कर सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी है ये, बहुत स्वादिष्ट भी होती है। अब आपने क्या करना है, एक साइड तवा गर्म होने को रख दे और थोड़ा सा हल्का सा ऑयल डाल लें। जब तक वो गर्म हो रहा है हम आटे का एक पेड़ा बना ले रहे हैं इस तरह से। और आटे में से डिप करके इस तरह से रोल करना है आपको। बहुत इजी रेसिपी है, काफी डिफरेंट भी है। लाइक आलू के गोभी के परांठे तो सभी ने खाए होंगे, लेकिन मटर के परांठे बहुत कम बनते हैं। ये अब इस तरह से आपको इसे मिक्स करके इस तरह से रोल कर लेना है। अगर किसी से इस तरह से परांठे नहीं बनते हैं तो वो दो पेड़े लेके भी भर सकते हैं। दो पेड़े लेके उन्हें बेल के उसके बीच में फिल करके, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन ऐसे परांठा ज्यादा स्वादिष्ट बनता है। इस तरह से बेल लें और अब हम इसे तवे पर रख देंगे पकने के लिए। जो मैं आपको जब तक ये सीख रहा है मैं आपको बताती हूँ कि आपको दो पेड़े लेके कैसे परांठा बनाना है, वो भी मैं आपको सिखा देती हूँ ताकि जिनको नहीं आता है बनाने उन्हें दिक्कत ना आए। ये जब तक सीख रहा है वेट करते हैं। इस तरह से आपने एक रोटी के लिए बेल लेना है। ऐसे ही आपने एक और पेड़ा ले लेना है और उसे बेल लेना है। मैं इसे टर्न कर दे रही हूँ। ध्यान रहे ये जो परांठा है ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होना चाहिए तभी पकेगा। और ये मैंने दूसरा पेड़ा भी बेल लिया। अब आपको क्या करना है, इसमें ये बैटर लेके इस तरह से फिल करना है। ये उनके लिए है जिसे बनाने नहीं आते परांठे, बिल्कुल स्टार्टिंग है। अच्छे से कोने कोने तक फैला दें और फिर ढक दें दूसरी वाली टोपी से इस तरह से। देख लेते हैं एक बार ही वो पराठा सिक गया होगा। थोड़ा सा तेल लगा दें, घी या बटर भी यूज कर सकते हैं। इसे होने में 2 मिनट लगेंगे, तब तक मैं आपको ये दूसरे वाला बता देती हूँ। ये बिल चुका है हमारा, इजी है, इसे भी हम तवे पे सेकेंगे। पहले उसे सर्व कर लेते हैं एक बार। अच्छे से सेकें,
आटा जितना सीखा हुआ हो उतना ही स्वादिष्ट लगता है। एक और बार टर्न कर ले रही हूँ, अभी बिल्कुल पक चुका है, मैं इसे सर्व कर ले रही हूँ और साथ ही साथ जो मैंने दूसरा बेला था उसे भी हम निकाल ले रहे हैं इस तरह से। इसे भी आपने सेम प्रोसेस से पलटना है और सेकना है। अब देखिए वाला भी आपका सीख चुका है, मैं इसे सर्व कर ले रही हूँ। तो तैयार है आपके मटर के पराठे, इसे आप चटनी के साथ खा सकते हैं, सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। कैसी लगी आपको आज की मेरी ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताएं, सजेशन बॉक्स में सजेस्ट ज़रूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।